कल से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। सबसे पहले तो आप इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। टेस्ट होने के बाद ही सरकार ने इसको इस्तेमाल की अनुमति दी है। 18 साल से जिनकी ऊपर की उम्र है उनको लगाई जाएगी पहली बार। द वैक्सीन्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। द सेकेंड डोज विल हैव टू बी ऑफ द सेम वैक्सीन दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड एज द फर्स्ट डोज। आपको मालूम है दो तरह की कोविड वैक्सीन आई हैं। जिस कोविड वैक्सीन की डोज आपने पहली बार ली है उसी की डोज दूसरी बार लेनी होगी। ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रांड की फर्स्ट डोज ली और दूसरे ब्रांड की सेकेंड डोज ली, एक ही ब्रांड की दोनों डोज होनी चाहिए। द वैक्सीन शुड बी गिवन विद कॉशन टू पर्सन्स विद अ हिस्ट्री ऑफ एनी ब्लीडिंग और कॉगुलेशन डिसऑर्डर, प्लेटलेट डिसऑर्डर, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। सो अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो आप डॉक्टर को बताइए कि आपको पहले इस तरह की कोई एलर्जी या कोई पहले प्रॉब्लम रह चुकी है। खासकर कोई भी ब्लीडिंग या रक्त संबंधी कोई भी बीमारी अगर रही है तो आपको डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना है। वैक्सीनेटर्स हैव टू स्टोर बोथ वैक्सीन्स एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइट एंड डिस्कार्ड द वैक्सीन इफ फाउंड टू बी फ्रोजन। अगर वैक्सीन जम गई है बर्फ की तरह तो वो बेकार हो जाती है। उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान में ही रखना है। पर्सन्स विद अ हिस्ट्री ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ प्रीवियस डोज ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन, दिस वुड मीन दोज हु हैव टेकन अ डोज इन अ कंट्री वेयर वैक्सीनेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ऐसे लोगों को जो पहले डोज ले चुके हैं और उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ था उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले किसी दूसरे देश में अगर आपने वैक्सीन ली है जहां पर आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, इसलिए आप इस बार ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। और किसको नहीं दी जाएगी? पीपल हु शो एन इमीडिएट और डिलेड ऑनसेट ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू वैक्सीन्स और इंजेक्टेबल थेरेपीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स। अगर आपको कुछ इंजेक्ट करने पर किसी तरीके की समस्या होती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है, तब भी आपको ये नहीं दी जाएगी। बहुत से लोगों को अक्सर इंजेक्शन से तुरंत ही एलर्जिक रिएक्शन सामने आते हैं। प्रेग्नेंट, सबसे जरूरी बात, प्रेग्नेंट वेमेन को, सिंस दे हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी क्लिनिकल ट्रायल सो फार, वेमेन हु आर प्रेग्नेंट और नॉट श्योर इफ देयर प्रेगनेंसी इज देयर शुड नॉट रिसीव द वैक्सीन एट दिस टाइम। इस पूरे वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी है, और ऐसी महिलाओं को भी ये वैक्सीन नहीं लेनी है जो श्योर नहीं है कि हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो। अगर श्योरिटी नहीं है तो भी मत लीजिए, और गर्भवती हैं तो भी मत लीजिए, क्योंकि इस वैक्सीन का ट्रायल गर्भवती स्त्रियों पर नहीं हुआ है, इसलिए जानकारी नहीं है किसी के पास कि इसका असर गर्भवती स्त्रियों पर किस तरह से पड़ेगा। तो ये अहम जानकारी थी। कल से डोज लगनी शुरू हो रही है, धीरे धीरे आपका नंबर आएगा। सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनका नंबर आएगा, फिर 50 साल से ऊपर के लोगों का नंबर आएगा। लेकिन आप किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने आपको बताया कि किस किस को वैक्सीन नहीं लग सकती है, बाकी सब लोगों को ये वैक्सीन लगेगी।